आसमान से मौत बरस रही है। मौत के हथियार कम नहीं हो रहे। पुतिन की फौज रुकने को तैयार नहीं। यूक्रेन के लोग झुकने को तैयार नहीं। कीव और खार्कीव अभी झुके नहीं हैं। जेलेंस्की का जलवा अभी भी कायम है। पुतिन का हमला बहुत ही घातक है। जंग के 228 घंटों में तमाम तस्वीरें देखने को मिली हैं और अभी ये जंग जारी है। माना जा रहा है कि ये जंग अभी लंबी चलने वाली है, क्योंकि बातचीत से बात बनती नहीं दिख रही। नाटो और यूक्रेन के बीच अभी तनातनी हो चली है, जबकि रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध अभी भी लग रहे हैं, लेकिन असर कुछ नहीं हो रहा। रूस का हमला और तेज और घातक होता जा रहा है। आज क्या हुआ? कीव और खार्कीव में हवाई हमले जारी हैं। कीव को उत्तर और पूरब से रूसी फौजों ने घेरा। खार्कीव में सड़क पर जंग जारी। दो शहरों में सीज फायर का ऐलान हुआ। सीज फायर के बावजूद जंग जारी रही। मारियुपोल और वोल्नोवाखा में जंग जारी। खेरसोन में लोग रूस के खिलाफ उतरे। बंदूकों के सामने निहत्थे लोग खड़े हुए। रूसी टैंक और काफिले के सामने लेट गए। यूक्रेन के मुताबिक 10,000 रूसी सैनिक मारे गए। 10 दिन की जंग में हर रोज 1,000 सैनिक मर रहे हैं। यूक्रेन का दावा, रूस में हजारों कब्र खोदी गई। स्काई न्यूज का आरोप, रूस ने पत्रकार पर हमला किया। इरपिन खंडहर में तब्दील हो चुका है। चेरनिहाइव में लगातार हमले जारी हैं। रूसी सेना की टुकड़ी एस्टोनिया की ओर बढ़ रही है। जाहिर है पुतिन की सेना भी यहीं रुकने वाली नहीं है। यूक्रेन के तमाम शहरों पर कब्जे के लिए निकली रूसी फौज ने अब यूक्रेन की धरती को रूस की धरती बनाने के लिए अपने सभी असलहों का इस्तेमाल कर रही है। कितने लोग मर रहे हैं फिक्र नहीं, कितनी इमारतें कितने सामान तबाह हो रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बस रूसी फौज की राह में आने वाली हर एक चीज या तो तबाह हो रही है या फिर तबाही के निशान लिए हुए है। इसमें पुतिन को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन इस नुकसान का एहसास रूसी फौज को पहले से थी, लिहाजा यह नुकसान यूक्रेन की कीमत पर मंजूर है। रूस ने अब तक 39 एयरक्राफ्ट गंवाए हैं। 40 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं। 269 टैंक्स या तो नष्ट हुए या कब्जा कर लिए गए। 105 तोप, 2 नावें और 409 कारें भी तबाह हो चुकी हैं। 50 रॉकेट लॉन्चर, 945 बख्तरबंद गाड़ियां खाक में मिल चुकी हैं। 60 ईंधन से भरे ट्रक और 18 एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं। रूस जवान और सैन्य साजो सामान खो रहा है। यूक्रेन अपने मुल्क को खोता जा रहा है। हालांकि पुतिन का यहीं रुकने का कोई इरादा नहीं है।
आज वंदे मातरम में हम आपको बताएंगे कि आखिर पुतिन का इरादा क्या है, यूक्रेन में अब तक कितनी बर्बादी हो चुकी है, कहां तक पुतिन की सेना ने कब्जा कर लिया है और अभी ये जंग कितने दिन और चलने वाली है। ये भी बताएंगे कि अगर कीव पर कब्जा हो गया तो उसके बाद क्या, क्या पुतिन के निशाने पर और भी मुल्क है, वो कौन से मुल्क हैं जिनका नंबर आने वाला है, और क्या पुतिन को रोकने के लिए दुनिया तीसरा विश्व युद्ध लड़ने को तैयार है। नमस्कार, वंदे मातरम में मैं हूं सुमित चौधरी। वॉर जोन से सटीक और सबसे तेज रिपोर्टिंग ही मेरी पहचान है, वो चाहे अफगानिस्तान अमेरिका का युद्ध हो या फिर काबुल पर कब्जे की लड़ाई, मैं हर कहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद था। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सबसे ज्यादा, यानी आज मैं आपके लिए यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग की एक्चुअल और फैक्चुअल रिपोर्टिंग लेकर आया हूं। मैं सिर्फ जंग की खबर ही नहीं बताऊंगा बल्कि उसके पीछे की खबर भी बताऊंगा। आज वंदे मातरम की पहली रिपोर्ट में देखिए कि 10 दिन में आखिर रूस ने यूक्रेन का क्या हाल कर दिया और कहां तक रूस ने फतह हासिल कर ली है। गरजते टैंक बरसा रहे हैं गोले, यूक्रेन के शहरों में भड़के शोले, पुतिन का सब्र। अब यूक्रेनी सेना की बनेगी कब्र। यदि किसी भी देश ने यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद करने को कहा तो उसे रूस के खिलाफ हमला माना जाएगा। रूस और यूक्रेन में छिड़ा हुआ है युद्ध, खूनी जंग को बीत चुके हैं 10 दिन। पुतिन का इरादा है क्लियर, दुनिया को दिखाने के लिए अपनी ताकत रूस युद्ध के मैदान में डटा हुआ है और नाटो समेत तमाम ताकतों को ललकार रहा है, चेतावनी दे रहा है कि जरा भी आंख उठाई तो जवाब दिया जाएगा, फिर चाहे अमेरिका हो या नाटो की नौटंकी। गहरा गया है, तोपें आग उगल रही हैं, रॉकेट तबाही फैला रहे हैं और मिसाइलों के हमले शहरों को शमशान बना रहे हैं। गलियां वीरान हो गई हैं, सड़कें सुनसान हो गई हैं, आसमान से सुखोई और मिग बम बरसा रहे हैं, हेलीकॉप्टर के हमलों से यूक्रेन के सैनिक ठिकाने तबाह होते जा रहे हैं। पुतिन ने चली आक्रामक चाल, ब्लैक सी का पानी हुआ लाल, यूक्रेन के शहरों पर बम बरस रहे हैं, खार्किव हो या कीव, हर तरफ तबाही ही तबाही है, तो समुद्र तट पर बने शहर भी बर्बाद हो रहे हैं। एक तरफ जेलेंस्की है जो झुकने के मूड में नहीं दिखते, तो दूसरी तरफ पुतिन जो रुकने के मूड में नहीं है। शहरों पर रूस का कब्जा होता जा रहा है और यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंच रहा है। तोपों के गोलों के सामने यूक्रेनी सैनिक आरपीजी लेकर खड़े हैं, मिसाइलों के सामने बंदूकें पकड़कर डटे हैं। जो नास не станеться, не дай Боже. Далі буде Латвія. Запам'ятайте нашу зустріч. Латвія, Литва, Естонія, Молдова. Далі буде Грузія, далі буде Польща. І так будуть вони йти до Берлінської стіни.
хочемо запровадити закриття неба, тому що конкретно вбивають наших. Путинки фаєр! Бага Зеленський каєр! Юкрейн хуа акела! Раштпати не деш чора! महायुद्ध में पुतिन ताकत दिखा रहे हैं, जेलेंस्की के सैनिकों पर आफत बरसा रहे हैं, चारों तरफ बस यूक्रेन के जलते हुए हथियार हैं और जलते हुए सैनिकों के शव सड़कों पर बिखरे पड़े हैं और रूस ने दावा किया कि जेलेंस्की देश छोड़कर भाग गया है। हालांकि जेलेंस्की की तरफ से इस खबर का खंडन किया गया है और कहा गया है कि अभी जेलेंस्की देश छोड़कर भागे नहीं है। यूक्रेन का दावा है कि 10 दिन के युद्ध में रूस के 10,000 जवानों को मौत के घाट उतार दिया है, 260 रशियन टैंक ध्वस्त किए गए हैं, 950 इन्फेंट्री व्हीकल्स को तबाह कर दिया गया है, जबकि रूस के 39 फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा यूक्रेन कर रहा है, 40 फाइटर हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा है, जबकि 50 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और 18 एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर सिस्टम भी ध्वस्त कर दिए गए हैं। दस दिन से जारी भीषण युद्ध में रूस की सेना को कई इलाकों में जीत मिल चुकी है। कई शहर ऐसे हैं जो घुटने टेकने का करीब पहुंच चुके हैं। राजधानी कीव के अंदर रूस की सेना दाखिल हो चुकी है और खार्किव में चारों तरफ विध्वंस के निशान बाकी है। काले सागर के तट पर बसा खेरसोन शहर पूरी तरह रूस के कब्जे में है, जबकि दूसरे तटीय शहर मारियोपोल शहर पर भी रूस की सेना कब्जे के करीब है। बर्डिंस्क शहर पर रूस की सेना का कब्जा हो चुका है, जबकि दोनेत्स्क भी रूस के हाथों में जा चुका है। मल्टीपोल शहर पर भी रूस की सेना का झंडा फहरा रहा है। ओडेसा शहर पर कब्जे के लिए रूस की सेना लगातार जूझ रही है, जबकि कुपियांस्क शहर पर रूस का विजय पताका फहरा चुका है। जंग में बज रहा पुतिन का डंका, जेलेंस्की के सरेंडर में नहीं कोई शंका। यूक्रेन में तबाही को देख जेलेंस्की सहमा हुआ है। जिन यूरोपीय देशों के दम पर जेलेंस्की उछल रहा था वो साथ छोड़ चुके हैं। अमेरिका भी पुतिन का सामना करने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा। यूनाइटेड नेशंस वाला दांव भी बेकार जा चुका है, इसलिए अब जेलेंस्की पुतिन से वार्ता करने की गुहार लगा रहा है। Что я должен сказать? Кому я должен что-то дать? Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как их принимают. Я ж сосед. Зеленский घुटनों पर आ चुका है। जान बचाने के लिए पुतिन के सामने गिड़गिड़ा रहा है। दो बार अपने सिपह सालारों को पुतिन के दर पर भेज चुका है, लेकिन पुतिन ने दो टूक कह दिया है, जब तक सरेंडर नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। недобрых намерений в отношении наших соседей, и им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. И все наши действия, если они возникают исключительно всегда в ответ на какие-то. जंग में अब कीव पर कब्जे की लड़ाई बाकी है। पुतिन की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर दाखिल हो चुकी है। कीव पर कब्जा अब चंद घंटों की बात रह गई, जिसके बाद जेलेंस्की को ढूंढकर दिल से निकाला जाएगा और देश को युद्ध में झोंकने का जवाब मांगा जाएगा। और देखा आपने किस तरीके से अभी भी लगातार पुतिन पूरी तरीके से अपनी पूरी ताकत के साथ ना सिर्फ यूक्रेन में बल्कि कीव को बर्बाद करने पर लगे, और ये जो पूरा विध्वंसक है ये यही नहीं रुकेगा, ये आगे भी बढ़ेगा, ये हमने आपको बताया रिपोर्ट में। और लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जी हां, पुतिन की दुनिया को एक बड़ी धमकी दी है। देखिए लगातार पुतिन की दुनिया को बड़ी धमकी,
किस तरीके से यूक्रेन पर नो फ्लाइंग जोन, मतलब रूस से सीधी जंग। हम आपको बता रहे हैं कि जिसने नो फ्लाइंग जोन घोषित किया वो हमारा सीधा दुश्मन होगा, यानी लगातार ये कहा जा रहा है यूक्रेन नाटो से नो फ्लाइंग जोन की मांग कर रहा है। दरअसल लगातार नो फ्लाइंग जोन होने से किस तरीके से रूस के जो ताबड़तोड़ हमले हैं वो रुक जाएंगे, और यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति अब ये कह रहे हैं कि अगर नो फ्लाइंग घोषित किया तो हमारी और आपकी दुश्मनी पक्की है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन को लेकर व्लादिमीर पुतिन का एक और बड़ा बयान। देखिए किस तरीके से लगातार व्लादिमीर पुतिन अपना अग्रेसिव पोस्चर जो है वो नहीं रोक रहे, और अब व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पर कह दिया है कि यूक्रेन पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला कठिन था और सोवियत संघ में यूक्रेन के पास एटमी मिसाइल की ताकत, यानी लगातार ये कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल था, जो शहीद हुए उन्हें हमारे सलूट भी कहा, और ये भी कहा कि रूस में अभी भी नाजी हैं लेकिन यूक्रेन की तरह सरकार में नहीं है। यानी अब यूक्रेन को व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ी धमकी दी और खास तौर पर कहा है कि यूक्रेन पर हमारा मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला कठिन था। वंदे मातरम में आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक के पहले मैंने आपको बताया किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने 10 दिनों में यूक्रेन का क्या हाल कर दिया है, और माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में रूस पूरी तरीके से रूस की सेना यूक्रेन पे कब्जा भी कर लेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि व्लादिमीर पुतिन कहां रुकने वाले हैं और उन्हें कौन रोकेगा। यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद क्या पुतिन आगे नहीं बढ़ेंगे, और अगर आगे बढ़े तो किस मुल्क को निशाना बनाएंगे। रूस ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब यूक्रेन पर हमला किया होगा तो उन्हें विश्व के हालात पता होंगे, उन्हें पता था कि आगे जाकर क्या होने वाला है और कैसे नाटो मुल्क के साथ साथ बाकी पावरफुल मुल्क प्रतिक्रिया देंगे और प्रतिबंधों की झड़ी लगाने के साथ साथ यूक्रेन को जंगी मदद दी जाएगी। दुनिया सोच रही है कि पुतिन की सेना यूक्रेन में फंस चुकी है और लगातार अपने जवानों के साथ मिलिट्री के साजो सामान खो रही है, लेकिन खुद व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक वो अपनी योजना पर चल रहे हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि हमारी फौज जो भी समस्याएं झेल रही है उसे हल कर लेगी, मैं इसके बारे में जरा भी संदेह नहीं करता। पूरा ऑपरेशन इसको बयां करता है कि वो योजना के मुताबिक ही चल रहे हैं और तय समय पर है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे तय किया गया था। आखिर क्या है पुतिन का पूरा प्लान? क्या पुतिन कीव के बाद रुक जाएंगे? पुतिन के प्लान में अगला मुल्क कौन सा? अमेरिकी विदेश मंत्री क्यों पहुंचे रूसी सीमा के पास? पुतिन से किसे बचाने यूरोप पहुंचा अमेरिका? अमेरिका के विदेश मंत्री शुक्रवार को आनन फानन में ब्रसेल्स पहुंचे और वहां से उनका कारवां रूस की सीमा से लगे चार देशों की यात्रा करने वाला है। ये वो मुल्क है जहां पुतिन यूक्रेन फतह के बाद अपनी फौज भेज सकते हैं। रूस के निशाने पर ये जो चार मुल्क हैं, उनमें तीन बाल्टिक मुल्क कहलाते हैं जो बाल्टिक सागर के पास है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इनमें से एस्टोनिया और लातविया की सीमा रूस से लगती है, जबकि लिथुआनिया की सीमा रूस के पिट्ठू देश बेलारूस से लगती है, और ये तीनों मुल्क पुतिन का अगला निशाना हो सकते हैं। ये रूसी फौज के दो कॉलम है जिन्हें रूस के पिस्कोव में देखा गया है और जो एस्टोनिया और लातविया की सीमा की ओर बढ़ रही है। पुतिन की फौज के लातविया और एस्टोनिया की ओर बढ़ने का मतलब साफ है कि पुतिन का अगला निशाना ये नाटो मुल्क है। यारा बोल रही हो, पुतिन ने पहले ही चेताया था
कि पश्चिमी देशों ने धोखा किया तो वे अपने मुल्क को पुराना सोवियत संघ वापस देने का वादा कर चुके हैं, क्योंकि नाटो अपना दायरा बढ़ाते हुए रूस के नजदीक पहुंच गया है। 25 साल में नाटो 3 गुना बड़ा हो गया। चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड को शामिल किया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को शामिल किया, अल्बानिया और क्रोएशिया को नाटो में शामिल किया, यूक्रेन को भी नाटो शामिल करने की कोशिश में था। नाटो रूस के करीब पहुंच गया, जिससे पुतिन नाराज हैं। पुतिन सोवियत संघ वाले मुल्क हासिल करने को निकले हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया पहले यूएसएसआर में थे, यूक्रेन के बाद पुतिन इन 3 मुल्कों की ओर बढ़ेंगे। जाहिर है नाटो मुल्क की ओर बढ़ने पर रूस को ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका का हमला झेलना पड़ सकता है। यही वजह है कि पुतिन ने प्लान के मुताबिक चलते हुए पहले ही ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी जैसे पावरफुल मुल्कों को चेता दिया कि अगर वो बीच में आते हैं तो परमाणु बमों का हमला हो सकता है। ऐसा हुआ भी, लेकिन पुतिन शायद ही नाटो मुल्क से सीधा मुकाबला करें, लिहाजा उनके निशाने पर हो सकता है वो मुल्क जिसे वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस नक्शे से समझिए, पश्चिमी और दक्षिण में 5 देश हैं, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मालडोवा। पहले 4 नाटो गठबंधन के सदस्य हैं। अगर पुतिन उन पर अटैक करते हैं तो पूरा नाटो उन पर अटैक के लिए आ जाएगा, परिणाम होगा विश्व युद्ध। पुतिन यह रिस्क ना लेकर मालडोवा को निशाना बनाएंगे। अब जरा गौर करिए, मालडोवा और यूक्रेन एक लंबी सीमा साझा करते हैं, 1,222 किलोमीटर लंबी सीमा। अगर पुतिन चाहेगा तो मालडोवा अगला और आसान निशाना हो सकता है। पुतिन के नए बेस्ट फ्रेंड ने इसका खुलासा भी कर दिया है। यह है बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। लुकाशेंको ने मंगलवार को अपने सुरक्षा परिषद को लेकर समझाया। दरअसल लुकाशेंको ने रूस की युद्ध योजना को लेकर अपने अधिकारियों से बात की। लुकाशेंको की यह तस्वीर बताती है कि वो यूरोप के एक बड़े मैप और एक छड़ी के साथ खड़ा है। और जरा मैप देखिए, बात साफ है, बेलारूस और यूक्रेन के जरिए मालडोवा को कब्जाने की साजिश है। अब जानिए कि पुतिन को मालडोवा में दिलचस्पी क्यों है, क्या है जो पुतिन को यूक्रेन के बाद मालडोवा ले जा सकता है और यहां भी विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ा सकता है अगर पश्चिमी मुल्क उससे जंग लड़ने आते हैं। पुतिन का अगला अटैक मालडोवा पर क्यों? पहली वजह, मालडोवा सोवियत संघ का हिस्सा था। दूसरी वजह, 2009 तक मालडोवा रूस की सुनता था। तीसरी वजह, मौजूदा सरकार पुतिन की नहीं सुनती है। जाहिर है मालडोवा पुतिन का अगला और आसान टारगेट हो सकता है, जिसे वो यूक्रेन के मुकाबले कम घंटों में ही घुटनों पर ला देगा, क्योंकि मालडोवा ने ना तो नाटो का हिस्सा है और ना ही उसकी आर्मी बहुत बड़ी है। सिर्फ 6,000 जवानों को कुचलना रूस के लिए आसान होगा। हालांकि यूक्रेन के बाद लगता नहीं कि मालडोवा को हासिल करने के लिए पुतिन को जंग लड़नी पड़ेगी। देखा आपने, यूक्रेन तो महज एक पड़ाव है, यूक्रेन तो महज एक पड़ाव है। अभी पुतिन का पूरा सफर बाकी है, पूरा मिशन बाकी है। यही वजह है कि पुतिन महायुद्ध के मैदान में सीना तानकर अकेले खड़े हैं, लेकिन विरोधी पुतिन का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, दूर बैठकर ही प्रतिबंध लगा रहे हैं। और दुश्मन के खिलाफ पुतिन ने एटमी जंग का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि अब कोई हिमाकत हुई तो अगला बम नाटो पर ही गिरेगा। बाहुबली पुतिन ने खाई है कसम।
नाटो के नाटक को करेंगे खत्म। नाटो की धमकी, रूस की चुनौती। परमाणु प्रहार, नाटो पर अंतिम वार। नाटो की बंध गई है घिघी, सहमे हुए हैं कथित सूरमा। मुकाबले के लिए नहीं कोई तैयार, कोई नहीं करना चाहता पहला वॉर। लेकिन पुतिन दे रहे हैं चुनौती, नाटो को रहे हैं ललकार, कह रहे हैं हिम्मत है तो हिम्मत दिखाओ। यूक्रेन के मैदान में हम अकेले खड़े हैं, दम है तो बम गिराओ। चुनौती सुनकर भी नाटो देश अनसुनी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमले के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। Look, I just want to say that I'm acutely conscious that there is not enough that we can do to as the UK government to help in the way that you want, and I've got to be honest about that. रूस अपने हथियारों का पैनापन चेक कर चुका है, छोटे हथियारों से कितनी तबाही होगी ये परख चुका है, और अंदाजा लगाया जा चुका है कि उसके बड़े गोले जब दुश्मन पर गिरेंगे तो दुश्मन का क्या हाल करेंगे। अब बस पुतिन को नाटो की एक गलती का इंतजार है। फटेगा एटम बम, नाटो होगा बेदम। रूस ने यूक्रेन युद्ध के बाद बता दिया कि अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। अब चाहे अमेरिका सामने हो या उसके पीछे पीछे चलने वाले 29 देश, पुतिन आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। कह चुके हैं कि दुश्मन में अब कोई भी हिमाकत की तो आंख उठाने से पहले ही सिर कलम कर दिया जाएगा। क्या रूस ने अपनी मिसाइलें अमेरिका की सीमा पर तैनात की हैं? नहीं, जबकि अमेरिका ने अपनी मिसाइलें रूस की सीमा पर तैनात कर रखी हैं। रूस सिर्फ ये कह रहा है कि हमारे घर से दूर रहो। इसमें गलत क्या है? सोचिए अमेरिका को कैसा लगेगा यदि हम कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दें। तबाही की शपथ, पुतिन का अग्निपथ। अमेरिका है जो लगातार धमकी दे रहा है, रूस को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन पुतिन के एटॉमिक वॉर की तैयारियों से बाइडेन परेशान भी है। अब तक अमेरिका दुनिया को धमका रहा था, लेकिन अब सहमा हुआ नजर आ रहा है। Provocative rhetoric like this regarding nuclear weapons is dangerous, adds to the risk of miscalculation, should be avoided, and will not indulge in it. We are assessing President Putin's directive, and at this time we see no reason to change our own alert level. Parmanu yudh ko Putin tayyar, is baar yudh aar ya paar. पुतिन ने साफ कर दिया है कि वह परमाणु युद्ध के पक्ष में नहीं, लेकिन परमाणु युद्ध शुरू करने में हिचकिचाएंगे भी नहीं। दो टूक कह दिया कि हर धमकी का माकूल जवाब दिया जाएगा, और हमला हुआ तो दुनिया को तबाह कर दिया जाएगा।
हमने कभी भी दूसरे देश को परमाणु युद्ध की धमकी नहीं दी है। पश्चिमी देश रूस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। रूस अब भी नाटो देशों से वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन हम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। परमाणु युद्ध का बज गया बिगुल, दोनों तरफ से युद्ध की टेंशन फुल। परमाणु युद्ध के हालात के लिए रूस ने पुख्ता तैयारी की है। रूस भी जानता है कि नाटो देश यूक्रेन की मदद क्यों नहीं कर रहे। दरअसल नाटो देश अपनी ताकत बचाए रखना चाहते हैं, ताकि जब परमाणु युद्ध हो तो पूरी ताकत से हमला किया जा सके। यही कारण है कि नाटो यूक्रेन की तारीफ तो कर रहा है, लेकिन युद्ध से हिचक रहा है। Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. और देखा, आज हमने आपको वंदे मातरम में बताया कि किस तरीके से यूक्रेन में 10 दिनों में किस तरीके के विनाश व्लादिमीर पुतिन ने किया है। कल हम एक बार फिर आपसे वंदे मातरम में मिलेंगे और बताएंगे आखिरकार किस तरीके से एक्चुअल और फैक्चुअल रिपोर्टिंग, खासतौर पर रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को लेकर। हमको दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं वंदे मातरम में।